या राम राम। तिरछी बात चैनल में हम लेकर आए नया प्रोग्राम जिसका नाम है जोरदार खबरें। इस प्रोग्राम में और पैस की पलवल के और पैस की खबरें होंगी भैया, जिसमें कि सौंद बंचारी लिए होना, जितना हमारा जो पलवल के और पास जो एरिया आ रहा है वाकई। अगर किसी भाई है कोई खबर है उसके पास तो हमें चित्र द्वारा फोटो और मैसेज कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 86 83 092 545। मास्टर अजीत सिंह, अब सुनो भैया जोरदार खबरें में जोरदार खबर। पहली खबर है पलवल में शिवल्यान बहुत डराते बंदी, ये रुक गई, उन्हें शिकायत करी पार्षदन थे, तो पार्षदन ने उनकी सुनवाई करी और कई दिनों में जाके क्रेन द्वारा बाकी सफाई करी गई है। तो ये खराब भी है जहाँ भैया शिवल्यान, तो यह बात सुन लीजिए। दूसरी बात हमारे गांव की ना होगी मास्टर जी। हाँ हमारे गांव की, पलवल की इतने बड़े शहर की है, तो हमारे गांव की होनी जरूरी है, ये तो है ही। हाँ जी, हसनपुर में जो होटल गए, हसनपुर पुलिस ने जटौली गांव की एक महिला आई, वहाँ ने केस करे हो छेड़खानी केस हो, और ये खबर है होली वार दिन की। होली वार दिन कुछ आदमी आए और महिला थे, रंग के बहाने से छेड़खानी की, और जिसकी शिकायत अब की गई है। अब आगे क्या होगा ये पता होगी। पहले क्यों ना करी मास्टर जी, ये तो उनके पीछे कोई चक्कर होगा जी, वो नहीं पता होगी। हाँ जी, पलवल के बडराम गांव में दो गुटों में आपसी तूतू में होगी, और जिसमें भारी मतलब ये कि लड़ाई हुई आपस में, 10-15 आदमी घायल है और थोड़ी बहुत कहासुनी हुई है, जिसके ऊपर दो गुटों में भारी जिला न्यायालय अस्पताल है उसमें भर्ती है। या हमारे आपस में लड़ना चाहिए, कोई समाधान है वहाँ वहीं कर लेना चाहिए, जरूरी ना है कि लाठी और वही लगाना चाहिए। ना प्यार समझ जाए तो ठीक ठीक है ना, कोई बात ना, फिर जो आपको परिणाम होगा जो हो गई। तो जी, महिला आशा वर्कों को मिला एंड्रॉयड सैमसंग का फ़ोन। महिला जो आशा वर्क है जो काम कर रही है, इन्होंने सरकार से गुहार की कि हमारी मांगे इनकी मांगे ही उन्हें पूरी करें, तो उन्हें सरकार द्वारा सैमसंग का एंड्रॉयड फ़ोन दिया गया है। अब भी वो ये बता रहे हैं महिला आशा वर्कर कि हमारी अभी आधी मांगे पूरी की गई हैं, आधी मांगे अब भी बकाया हैं, और का लैपटॉप मांगनी होंगी मन पता होगी। ठीक है जी, पलवल के बस अड्डे पर सोशल डिस्टेंस का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है, उन्हें यही नहीं पता कि दो गज की दूरी कितनी होती है और कैसे उसे बरकरार रखा जाता है। नहीं कोई मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, नहीं सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जिला है उसके काले कारनामे हैं, ये आम जो जनता है उसका तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हद तक हम काम कर रहे हैं। कोरोना तो डरना लग रहा है, बिल्कुल ना भी नहीं घूम रहे हैं जी। मैं भी आज पलवल तक आया हूँ। आप भी ऐसे घूम रहे हैं? ना ना, मैं स्वापी ऊपर। हाँ जी, और जी पलवल के गुप्तांग जो एरिया है उसमें 24 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। रात को किसी मानसिक तनाव के कारण उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया, और लोगों को सुबह पता लगा कि इसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है, और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, और मौत होने के कगार पर है। वो मौत हुई ना आज भैया, और भैया मैं बात कह रहा हूँ कि कोई भी गलत काम या जहर तो बिल्कुल मत खाओ। ठीक है कहासुनी हो जाती है, मानसिक तनाव भी हो जाते हैं, लेकिन ये गलत काम नहीं उठाना चाहिए। ये मेरी आप लोगों को सलाह है एक तरीके से। अगला जी, पलवल के गुदराने में ननद और भाभी जो आपस में होती है लेडीज, इसमें कहासुनी हो चुकी है, और उसमें जो एक जो स्त्री है बात गुदराने की है, उसमें नंद जेठानी और देवरानी के बीच में लड़ाई बैठ गई। तो एक बियरवानी के मायके थे आए आदमी, और मतलब एक लठ पटेरे मसक्के बाजी, और 5-6 आदमी घायल कर दिए हैं, और पलवल के जिला नायक अस्पताल में भर्ती है। तो ऐसे ना होना चाहिए कि आपस में ही हमें लड़ाई सोल्व कर लेनी चाहिए, जो कलेश है निपटा लेना चाहिए, कि ये ना है कि पूरे खानदान बोला होते दूसरे गांव मन तक। और वे उत्तर प्रदेश के भगवतपुर गांव के हैं, और आपस में लड़ाई है नंद भाभी जेठानी की, ऐसा ना होना चाहिए, जैसे कि हुई सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। हो अगली खबर है भेंडौली में 24 वर्षीय खड़क सिंह उर्फ विष्णु ने स्वयं को गोली मारी। मानसिक तनाव के कारण, जैसे कि आर्थिक तंगी हो जाती है आदमी पर, आज पैसा है जेब में कल ना आए, और पुलिस का कहना है कि जो
क्या नाम है, खड़क सिंह उर्फ विष्णु आपराधिक गतिविधियों के व्यक्ति थे और मानसिक थोड़ी सी परेशानी भी थी। तो हमें यहाँ पता हो या बात की ना पता हो कैसे भैया, लेकिन ऐसे बिल्कुल ना करना चाहिए कि आत्महत्या करना महापाप है और मैं इसका समर्थन नहीं करता। और मेरी सलाह भी यही है कि कोई परेशानी हो तो बैठ के समझाओ, समझो एक दूसरे अपनी परेशानी बताओ, ये नहीं है कि आत्महत्या तरह भगे, तो ऐसे ना करना चाहिए। तो ये जी आज की खबरें, जोरदार खबरें में आपका स्वागत था। मेरा नाम अजीत सिंह और देखते रहिए। अभी अक्काई भैया के पास अगर जोरदार खबर हो तो फोटो और बात तुरंत हमें कमेंट में कीजिए। हमारे कमेंट में नंबर आप मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 86 83 092 545। मास्टर अजीत सिंह, जय लाला साहब।